नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गौ संरक्षण पर सियासत शुरू हो गई है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां गौ संरक्षण का दम भर रही है। साय सरकार ने गौ संरक्षण के लिए नई योजना बनाने की घोषणा की है, तो कांग्रेस गौ संरक्षण पर अपनी योजनाओं को प्रभावी बता रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में गो संरक्षण के लिए गोवंश अभयारण्य योजना बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने योजना को लेकर कहा है कि अधिकारियों को गोवंश अभयारण्य योजना पर काम करने के निर्देश दिए गए। गोवंश अभयारण्य बनने से सड़कों पर घूमने वाले गोवंश को खाना पानी और मेडिकल की सुविधा मिलेगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। सरकार की गोवंश अभयारण्य योजना पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का ये आरोप है कि राजनीतिक विद्वेष के चलते सरकार ने गोठान और गोधन योजना बंद की, गौ संरक्षण के लिए गोठान और गोधन योजना शुरू करनी होगी। गोवंश के संरक्षण की याद आ रही है, पहले तो गोठान को बंद कर दिया, गोधन योजना को बंद कर दिया। गोठान एक ऐसी योजना थी जहां ग्रामवासियों को जोड़ के गायों का गोवंश का संरक्षण किया जाता था। गोधन न्याय योजना में हर आदमी अपने आप को उसमें समाहित करता था, सबको दो पैसे का फायदा होता था गोबर बेचने का। इसका फायदा यह होता था कि गायों का संरक्षण भी होता था, उन्हें चारा पानी भी मिलता था और लोगों को लाभ भी मिलता था। तब राजनीतिक विद्वेष के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बंद कर दिया। अब गोवंश अभ्यारण योजना चालू करने जा रहे हैं। अरे भाई, आप कितना अभ्यारण बना लेंगे? अंततः आपको गोठान में आना ही पड़ेगा। पालकों के लिए, गोवंश के संरक्षण के लिए सबसे अच्छी योजना है कि गोठानों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, गोधन न्याय योजना चालू किया जाए। गोवंशों का संरक्षण, कांग्रेस को क्यों टेंशन? आज इसी पर करेंगे चर्चा, क्योंकि साय सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि गोवंश जो सड़कों पर घूमते हैं, जिनकी वजह से कई बार लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, अब उनके लिए गोवंश अभयारण्य योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें गोवंशों के लिए सारे इंतजाम किए जाएंगे। और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये राजनीतिक विद्वेष के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। आज इसी पर करेंगे हम चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। उमेश गोडमोड़े जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सत्य प्रकाश सिंह जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बाबूलाल शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश सिंह जी, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूं। साय सरकार ये गोवंश अभयारण्य योजना बनाने की तैयारी कर रही है, क्या कांग्रेस इसका स्वागत करती है? स्वागत हम जरूर करते हैं, मगर एक इसमें सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा कि इनके पास खुद की कोई योजना है कि नहीं है, या कांग्रेस सरकार की पुरानी सरकारों की योजना को ही इनको कॉपी पेस्ट करना है। गोठान योजना थी, गोधन योजना थी, जो हमारी कांग्रेस सरकार लेके आई थी और बहुत सफल योजना थी। आप बता दीजिए, जब इनकी 1500 की सरकार थी, रमन सरकार थी, 15 सालों में लगभग 1700 करोड़ घोटाला जो किया, कितनी गौशालाओं में हमने ऐसी खबरें पढ़ी, फोटो देखी, चाहे उनका काके की बात करें, मंत्री की बात करें, दुर्ग की बात करें, महासमुंद की बात करें, ऐसी खबरें आती थी गौशालाओं में भूखे गाय मर रही है। 1700 से ज्यादा गाय भूखी मरी थी 15 सालों में, तब इन तैयार नहीं था। अब जब कांग्रेस सरकार एक योजना लेकर आई थी, गोठान योजना, गोधन योजना, वजह से गायें तो सुरक्षित थी, साथ ही साथ जो किसान थे, जो पालक थे, जो गांव पालते थे, उनको भी कुछ ना कुछ आर्थिक तौर पर फायदा पहुंचता था, मगर राजनीतिक दृष्टिकोण उसको बंद किया गया। मगर अब आपको जब मालूम चला कि इसका विरोध गांव में भी हो रहा है, किसान हो जो गांव पालक हो, उनको मालूम है कि वो योजना बहुत ही अच्छी योजना थी, उनसे लाभ मिलता था, तो सरकार ने उसका नाम बदला। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपने राजनीतिक द्वेष से किया है। आप क्यों नहीं गोठान चालू कर रहे थे? गोठान जो बने हुए लगभग 10,000 से ज्यादा गोठान बने हुए, आप आर्थिक तौर पे भी बोझ डालना चाह रहे प्रदेश की जनता के ऊपर, तो आपके पास गोठान पहले से बने हुए, आपके पास योजना पहले से। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, आ गया आपका पॉइंट, आ गया, मैं आपके पास लौटूंगी। उमेश जी, जो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि गोठान योजना कांग्रेस ने जो शुरू की थी, उसी में ही और इम्प्लीमेंटेशन करने की बजाय आपने नई योजना की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ये राजनीतिक विद्वेष के चलते। देखिए, अगर गोठान योजना सफल रहती तो आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न गांव, कस्बों, शहरों के अंदर में गौवंश सड़कों पर भटकते हुए नहीं दिखती। और एक रिपोर्ट भी है
ये तमाम गौवंश आज भी सड़कों पर भटकते हुए घूमते हुए दिख रही है। तमाम तरह की दिक्कतों का सामना जनता को भी करना पड़ रहा है, उस गौवंश को भी करना पड़ रहा है, और प्लास्टिक से लेकर के और तमाम चीजों को खा करके गौवंश बीमार भी पड़ रही है, उनकी मृत्यु भी हो रही है। और जिस प्रकार से गोठान का जिक्र कर रहे थे, इनकी गोठान योजना अगर सफल होगी तो आज जिस स्थिति का जिक्र मैं कर रहा हूँ उस स्थिति का जिक्र मुझको नहीं करना पड़ता। और एक अभयारण्य योजना गोवंश के लिए जिसकी परिकल्पना की गई है, जिसको लेकर के आने वाले समय में योजना बनेगी, एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित योजना बनेगी। और गोठान योजना जो कांग्रेस की चल रही थी वो भ्रष्टाचार युक्त योजना थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोसने वाली योजना थी, और कैसे 1300 से भी 1300 करोड़ से भी अधिक का घोटाला उसमें निकल करके आया। और निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर में अगर उसमें जांच होगी तो एक बड़े घोटाले के रूप में कांग्रेस की ये गोखा योजना निकल करके आएगी। और एक अच्छी सोच के साथ यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये यही कांग्रेस है जो गोठान गोठान तो करते रही, लेकिन इनके कार्यकाल में 70 से अधिक गौ वंश की बिलासपुर के अंदर में केवल दम घुटने से मौत हो जाती है। इस प्रकार से इन्होंने ठूस ठूस करके रखा था, इनके पूरे सरकार का कार्यकाल बीत गया, उसमें जांच रिपोर्ट नहीं आई। नए रायपुर के अंदर में राहुल गांधी जी की सभा होती है, दूषित भोजन खाने से गौ वंश 10 से 12 गौ वंश कि अभी 2023 के अंदर में मृत्यु हो जाती है। ये इनके गोठान योजना के विफलता के उदाहरण है, और इसीलिए हमको नई योजना की तरफ अग्रसर होना पड़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, सेवा सुरक्षा और संवर्धन के ध्येय के साथ भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी एक योजना हम धरातल पर जल्द गौवंश की सुरक्षा के लिए लेकर के आने वाले हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने योजना चलाई थी, मेरी हाँ, बात कंप्लीट हो जाए, हाँ, इन्होंने जिस प्रकार से योजना चलाई थी 10,240 गौठान के निर्माण में 1300 करोड़ से अधिक का घोटाला ये कर गए थे, और उसमें भी जो राशि केंद्र सरकार से आती थी, चाहे मैं मनरेगा की राशि की बात करूं, 14 वित्त आयोग की राशि की बात करूं, 15 वित्त आयोग की राशि की बात करूं, CSR फंड की बात करूं, DMF फंड की बात करूं, हाँ, तो सारा पैसा डकारने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। मतलब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की वजह से गोधन और गोठान योजना को आपने बंद किया। इसका जवाब मैं सत्यप्रकाश जी आपसे लूंगी, आप जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन बाबूलाल शर्मा जी को शामिल कर लेते हैं। बाबूलाल शर्मा जी, साय सरकार ने घोषणा की है कि गायों के लिए अभ्यारण्य तैयार किया जाएगा जिसमें सारी सुविधाएं होंगी, इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे जब कांग्रेस की तरफ से गोधन और गोठान योजना चलाई गई है? देखिए, गोधन और गोठान योजना कोई खराब योजना नहीं थी, अच्छी योजना थी। सफल असफलता की बात जो है वो आरोप प्रत्यारोप में अपने ढंग से कहे जाते हैं, लेकिन गोधन योजना बहुत अच्छी योजना, गोठान योजना बहुत अच्छी योजना थी। उसके इम्प्लीमेंटेशन में कमी बेसी रही होगी निश्चित रूप से, लेकिन इसी को यदि सुधार करके, अगर भ्रष्टाचार था तो भ्रष्टाचार सुधार लेते, या उसमें कोई कमी थी तो उसको अच्छा कर लेते और उसका नाम बदल देते, उसी उसी योजना को नाम बदल देते। लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं कि कोई भी सरकार जब नई बैठती है तो वो चाहती है कि जो भी योजनाएं हों, जो प्रभावशाली हों, जो लोगों पर प्रभाव डालती हो, जैसे गौठान योजना ने प्रभाव डाला था, गोबर गोबर योजना ने प्रभाव डाला था, उसी तरह जो है प्रभाव हमारा रहे, पिछली सरकार का प्रभाव ना दिखे, इसलिए बदलाव करते हैं तो नाम में बदलाव कर लेते। लेकिन इन्होंने जो है इसको पूरा का पूरा बदलने का प्रयास जो किया और गौवंश अभ्यारण्य नाम दिया, अभ्यारण्य से एक सामान्य प्रक्रिया समझ में आती है कि अभ्यारण्य माने वन अभ्यारण्य, तो इसका स्वरूप क्या होगा, ये स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस तरह से अभ्यारण बनाया जाएगा, या गौठान के तरीके से ही गांव के बाहर कहीं बाड़ा बना दिया जाएगा, कौन सा तरीका होगा, क्या स्वरूप होगा, ये भी नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा चर्चा करना बड़ा मुश्किल है। निश्चित रूप से चाहे ये गौठान की योजना रही हो चाहे ये अभ्यारण बने, दोनों योजनाओं में एक बात सही है, एक बात समान दिखती है कि सड़क पर जो है मवेशियों की आमद रफ्त कम होगी, तब भी शुरुआत में हुई थी, फिर बाद में ढीलापन आ गया, कुछ इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ियां हुई तो उसमें फर्क पड़ा, लेकिन दोनों की भावनाएं जो है वो अच्छी हैं। अभ्यारण्य अच्छे ढंग से बने उसका क्या स्वरूप होगा वो आगे आएगा, देखेंगे हम भी उसका क्या स्वरूप बनता है, लेकिन योजना गलत थी कांग्रेस की, ये कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है उमेश जी,
स्वरूप क्या होगा इस बारे में जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो बाबूलाल जी कह रहे हैं कि योजना तो कांग्रेस के टाइम में भी बुरी नहीं थी, बात है इम्प्लीमेंटेशन की। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन पर ही हमारा जोर है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है उन तमाम विभागों को जो पशुधन से संबंधित हैं, पशुधन विकास विभाग की बात करें, पंचायत की बात करें, राजस्व विभाग की बात करूं या फिर वन विभाग की बात करूं, इन तमाम विभाग के अधिकारी आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए, क्योंकि इन तमाम विभागों से ही चाहे गांव का विषय हो, जंगल का विषय हो या शहरी क्षेत्रों का विषय हो, आपस में तमाम विभागों की जिम्मेदारी बनेगी और इन तमाम क्षेत्रों के अंदर में जो आवारा मवेशी है उनको कैसे एक स्थान पर अभ्यारण्य में हम संकलित करें, उसके बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था कैसे हो, उसके खाने की व्यवस्था कैसे हो, उसके पानी की व्यवस्था कैसे हो और पूरी व्यवस्था अभ्यारण्य की पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त योजना के रूप में कैसे धरातल पर उतरे, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और तमाम अधिकारी तमाम अमला इस योजना पर काम करने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है और जैसे ही ये योजना बन जाएगी आपके हमारे सबके सामने एक मूर्त रूप में हमारे बीच में होगी और उसके बाद हम निश्चित तौर पर उस पर चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय बाबूलाल जी ने कहा कि ये योजना गोधन न्याय योजना जो थी उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी। आप सहमत हैं, बाबूलाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, योजना में कभी कोई खोट नहीं होती, उस योजना को इंप्लीमेंट करने वाली सरकार के अंदर में यहां पर खोट थी। हमने भी उस समय सराहा था उस योजना को, लेकिन जो उसमें खोट थी, जिस प्रकार से मैं फिर एक उदाहरण दे देता हूं, तो वही तो कह रहे ना बाबूलाल जी भी, वही कह रहे ना उमेश कि जो खोट था उसको सुधार लेते आप। जी देखिए, उसमें बहुत सारे लूपहोल थे और इसीलिए हम एक नया अभ्यारण योजना लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुए और भ्रष्टाचार को लेकर के लूपहोल इस गौठान योजना में बहुत सारे हैं, उस योजना में यदि हम फिर से जाएंगे तो फिर से भ्रष्टाचार ही उसमें से निकल करके आएगा। किसी ना किसी पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए उसमें लूपहोल छोड़ा गया है जिसको बंद करना संभव नहीं है, इसलिए एक नई योजना और मुख्यमंत्री जी ने जोर दिया है कि भ्रष्टाचार रहित पार योजना और जो पहले से कांग्रेस की गोठान योजना चल रही उसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। विधानसभा के अंदर में इन्होंने जवाब दिया था कि 35 जिलों में से केवल 6 जिले में 3,380 गायें इनको मिली है जिनको ये गौठान में रखना चाहते हैं और उसके पीछे इन्होंने खर्च किया 1,134,65,00,000 रुपए, अर्थात प्रति गाय 40,00,000 रुपए खर्च करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। इससे साफ तौर पर भ्रष्टाचार की बू आती है। और इन्होंने चरवाहों की नियुक्ति की, एक और बात, इन्होंने इन चरवाहे जो ब्रजमोहन अग्रवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया 9,303 चरवाहे, मतलब प्रति गाय तीन चरवाहे, एक गाय को तीन चरवाहे चराया करते थे इनके गौठान के अंदर में, ये इनका लूपहोल है, ऐसी व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। प्रकाशी, भ्रष्टाचार इतना था कि भ्रष्टाचार को अगर सुधारने जाते तो भी भ्रष्टाचार निकलता, इस तरह का आरोप उमेश जी लगा रहे हैं कि एक गाय पर आपने 40,00,000 रुपए खर्च किए, तीन तीन चरवाहे लगा दिए, फिर भी गायों का जमघट सड़कों पर दिखता था। सरकार इनकी चार महीने सड़कों पे गाय कब से दिख रही है, जनता देख रही है, सरकार इनकी है, इनकी विफलता है, गोठानों को बंद कर दिया गया इसलिए ये चार महीने से ये हालत है वो है, जो रायपुर राजधानी पे गाय सड़कों पे दिख रही है, इससे चार महीने पहले से आप देख लीजिए कितनी गाय दिखती थी, तो इनको भी मालूम विफलता किसकी है। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात बोल दो, ये भ्रष्टाचार की बात करते, अरे भाई साहब गोधन की भ्रष्टाचार की बात कर रहे, देखिए कभी कोई बोलते 1,300 करोड़, कोई इनके नेता बोलते 800 करोड़, कोई आके बोलता 600 करोड़ का घोटाला हुआ, तो पहले खुद तय कर ले कितने घोटाला हुआ। एक छोटे सा उदाहरण मैं मनुष्य को देना चाहता हूँ, देखिए हमने जो गोबर खरीदी की 2020 से जो गोधन न्याय योजना शुरू हुई थी 20 जुलाई 2020 से 112 क्विंटल के आसपास हमने गोबर खरीदी की, भुगतान ही उसका लगभग 250 करोड़ के आसपास का हुआ, तो आप बताइए कहां से 1,000 करोड़ और 150 करोड़ और 1,300 करोड़ कहां से इसमें घोटाला हो जाएगा, जब भुगतान ही हमने 230 करोड़ के आसपास किया है तो 1,300, 1,200, 600 करोड़ कहां से हो जाएगा, तो ये दिखता प्रोपोगेंडा क्या है। और एक और चीज बोलूंगा उमेश जी, आप जब जांच की बात कर रहे हैं तो अपनी सरकार की याद कीजिए, 15 साल जब आपके समय 17,000 गाय भूखे मरी थी, गौशालाओं के नाम पे घोटाले हुए हैं लगभग 1,700 करोड़। और एक और चीज मैं इनको याद दिला देता हूँ, गोधन योजना का लाभ कौन ले रहा था, रायपुर का सबसे बड़ा गौशाला किसका है, इनको भी मालूम है, सबसे ज्यादा अगर पूरे छत्तीसगढ़ में किसी गौशाला ने लाभ दिया और रायपुर का सबसे बड़ा गौशाला है और किसका गौशाला, उनको भी मालूम है, लाभ लेना इनको मगर राजनीति करने के लिए गोठन को बंद करना है। और एक और चीज ये बात करते हैं,
मैं बात करता हूँ। देखिए बात करते हैं, तीसरे नंबर भारत है, इलेक्ट्रल बॉन्ड की भी जांच करा लीजिए। आपने किससे चंदा लिया? वही बी वालों से चंदा लिया ना, उसकी भी जांच करा लीजिए। गोवा में क्यों रेस्टोरेंट में किसके नेता के बच्चे परोस में भी, उसकी भी जांच कराइए। आपके नेता विधानसभा प्रत्याशी बोलते हैं उमेश जी, उमेश जी ठीक है ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए सत्यप्रकाश जी। उमेश देखिए, विधानसभा के अंदर में इनके नेता जिस जवाब को देते हैं उसको कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी चैनल में नकार देते हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी को नकार रहे हैं, विधानसभा में अपने नेता को नकार रहे हैं। जरा कांग्रेस के नेता बता दें, जिस 1334 करोड़ का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसी में से मनरेगा से 816 करोड़ रुपए गौठान में आपने लगा दी, जो मजदूरी के रूप में जो राशि जाना था, जो छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूरों को जेब में मजदूरी के रूप में जो राशि जाना था उसको आपने 816 करोड़ रुपए गौठान में लगा दिया। 14वें वीक का 99 करोड़ रुपए लगा दिया, मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूँ। 15वें वीक का 74 करोड़ रुपए लगा दिया, सीएसआर का 71 करोड़ रुपए लगा दिया, डीएमएफ का 81 करोड़ रुपए लगा दिया, और उसके बाद निकल करके बाहर मवेशी दूषित भोजन खा लिया। हमको राहुल गांधी की सभा के बाद दूषित भोजन खाया बात की मौत, जगह जगह गौवंश की मौत, एक्सीडेंट और दुर्घटना की खबर लगातार गौवंश के सड़कों पर निकल करके आती है, ट्रैफिक जाम की खबर लगातार निकल करके आ रही है, और ये केवल पिछले 5 महीने का विषय नहीं है, 2023 का, 2022 का, 2020 का मैं उदाहरण दे रहा था, जो 70 से अधिक गौवंश की मौत हो गई। अक्टूबर 2023 का उदाहरण, तब इनकी सरकार थी, सड़कों पर गायों की मौत हो गई। आप उदाहरण दिखा दे तो फर्क ये नहीं कैसे होते थे, आपने भाजपा का नेता नंगा रहे थे, अखबार में छपती खबरें आप याद कीजिए, खबरें ये भी खबरें याद कीजिए। एक और बड़ी बात कहूंगा, सत्यप्रकाश जी जब तक नहीं, जब तक सी अपनी तरफ से वेरीफाई नहीं करेगा तो आप प्लीज सत्यप्रकाश जी वो मत दिखाइए, हम अपनी तरफ से वेरीफाई करके ही कुछ तथ्य देंगे सामने, आप ऐसे मत दिखाइए। खबर है ये मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता मांग करेंगे क्या, गाय के लिए जमीन आवंटित की है ताकि उनको घास मिले, ताकि उनको चरने के लिए जगह मिले, ये हमने करके दिखाया है। इनको सिर्फ राजनीति करनी है, राजनीति आती है इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं उसमें, इसलिए इनके पास कोई योजना नहीं है जांच के लिए। ईडी से मांग कर लो आप जांच के लिए, भैया गोठान में अगर घोटाला नहीं हुआ है तो मांग कर लो आप, नहीं तो आप कीजिए ना। अभी तक क्या कर रहे हैं, 4 महीने से आपकी सरकार है, हम तो जा चुके हैं मांग, आपको भी जानकारी में, हमने मांग की है, हमने मांग की है, कैसे प्रति गाय 40 लाख रुपए खर्च हो गए, उनकी जांच को लेकर के हमने पत्राचार भी किया। गाय क्यों मरी थी, 1700 गाय क्यों मरी थी, 1700 करोड़ का घोटाला क्यों हुआ था। ठीक है अब एक मिनट रुकिए, मैं बाबूलाल जी को एक बार ले आती हूँ। बाबूलाल जी, जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि गोठान और गोधन योजना में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार था कि मजबूरी है एक तरह से उन्हें बंद करना और एक नई तरीके की योजना लाना। तरीके की योजना लाने का मैंने कारण बता दिया, साफ साफ है, हर सरकार चाहती है कि योजनाओं में उसका उसकी छाप दिखाई दे, अगर कोई योजना वैसी रहने दें और उसको सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से पिछली सरकार की छाप दिखाई देगी। ये जो गोठान योजना है इसको कहीं ना कहीं जो है पिछली सरकार ने चालू किया था, ये छाप दिखाई देगी, तो वो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, नहीं चाहे। लेकिन जहां तक लूप को खत्म करने वाली बात है, उसमें उमेश घोरमड़े जी ने कहा है कि वो संभव नहीं है उसको बंद करना, मैंने करना लूप बंद करना, मैं इसको नहीं मानता। सरकार के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती, वो चाहे तो संभव कर सकती है, वो तो सारे लूप को बंद करके उस योजना का नाम कुछ और कर देती और उस योजना को चलाती और अच्छा बनाने का प्रयास करती, और ये कहती कि ये जो भ्रष्टाचार की नींव चढ़ा हुआ जो ये योजना थी, इस योजना को हमने सुधार करके जो है इतना अच्छा कर दिया, उसका उदाहरण प्रस्तुत करती, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने बदला भी है कोई दिक्कत नहीं, कोई ये नहीं है। अभ्यारण्य का अर्थ जो होता है वो अभय, बिना भय के कहीं भी विचरण करे कोई चीज, तो अभ्यारण्य जंगलों के लिए जो है, जानवरों के लिए अभ्यारण्य जो, वहां पे मनुष्यों का जाना बंद रहता है, कुछ ऐसे भारी वाहन नहीं जाते, ऐसा ये जानवरों को ये एहसास कराना कि आपको किसी प्रकार का भय नहीं है। तो ये अभ्यारण्य किस तरह का होगा, अभ्यारण्य कहने से तो वन वन का एक
दृश्य सामने आता है कि वन को बैरन कहते हैं, लेकिन जो है ये किस तरह से बनेगा, इसका स्वरूप अगर सामने आ जाएगा तो इसकी चर्चा करने में ज्यादा आनंद आएगा। और अभी तो कुछ इसका स्वरूप पता नहीं है, लेकिन सिर्फ अभी यही समझ में आ रहा है कि इसी योजना को जो है दूसरा तरीके से अपने नाम से हमारी नई योजना जो है वो गौवंश के लिए हमने इतना अच्छा काम मतलब किया, पुरानी बुक नया कवर। उमेश जी, हाँ, बाबूलाल जी जो कह रहे हैं इसका जवाब दीजिएगा। उमेश जी, देखिए आदरणीय बाबूलाल जी ने बहुत अच्छी बात कही और जिस प्रकार से अभ्यारण शब्द को उन्होंने डिस्क्राइब किया उसको लगता है कि उसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना का नाम भी रखा गया है और उसको धरातल पर उसी आधार पर उतारने का प्रयास भी किया जाएगा। एक फ्री स्पेस में कैसे बेहतर सुविधा के साथ हम गौवंशों को रख सकें जहां पर्याप्त मात्रा में चारा की, पानी की और एक अनुकूल रूप से एक प्राकृतिक व्यवस्था, वातावरण की व्यवस्था, जैसे वातावरण की आवश्यकता हमारे गौवंशों को है, एक प्राकृतिक वातावरण में उसको उनको बेहतर तरीके से व्यवस्थित हम कैसे एक फ्री वातावरण दे जिसमें उनके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। मैंने उदाहरण भी दिया किस प्रकार से एक गोठान के अंदर में किस प्रकार से गौवंश को ठूस करके रखा गया जिसका नतीजा सखू के संत से मौत के रूप में बिलासपुर में निकल कर गया है। तो वैसी स्थिति ना हो, एक अनुकूल वातावरण हो। ठीक है उमेश जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है। उमेश जी, सत्यप्रकाश जी, बाबूलाल जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो घोषणा भी की गई है और अभी इसका स्वरूप कैसा होगा ये सामने आना बाकी है, इस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ।